किस टाइप की वुमन्स जल्दी इम्प्रेस हो जाती है, किस टाइप की औरतें जल्दी सेट हो जाती है, किस टाइप की वुमन्स जल्दी आपसे पटना चाहती है। और एक सवाल और जो कि इंस्टाग्राम पर पूछा था और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम वुमन्स को कैसे प्रपोज कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेसर मेरे इंस्टाग्राम के थे, मतलब जो आपने कमेंट किया था, मैसेज किया था, तो मैंने इन दोनों पॉइंट को कवर किया है, एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। देन आई होप आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करोगे। मगर मेरी जान, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन के लिए। आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था मेरे इंस्टाग्राम पर कि सर प्लीज़ इस वीडियो को बनाइए, प्लीज़ सर इस वीडियो को एक्सप्लेन करके बनाइए। तो मैंने भाई उस वे में आपको मैं ये बात समझाने वाला हूँ, ठीक है मेरी जान। तो इस वीडियो का ही गलत मतलब मत निकालना। और छोटी सी बात यार, प्लीज़ भाइयों इस वीडियो पे एक लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिएगा, क्योंकि आजकल फ्रेंड आप लोग ये दो काम नहीं कर रहे हो यार, ना ज़्यादा लाइक करते हो ना जल्दी सब्सक्राइब करते हो, बस वीडियो देख लिया, इन्जॉय किया और चलते बने। तो मेरी जान ऐसा थोड़ी ना चलता है यार, थोड़ा तो दिखाओ मेरे लिए भी प्यार, कि हमें भी खुशी मिले और हम उतनी ही तगड़ी रफ्तार से वीडियो धराधर अपलोड करते चले, ठीक है। खैर बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की, किस टाइप की वुमन्स बहुत जल्दी इंप्रेस होती है। वो वुमन्स जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला रहती है, जो वो वुमन्स जिसका जो पार्टनर हो उससे बहुत ही ज़्यादा दूरी बना के रखता हो, वो वुमन्स जिसके लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ ना रहती हो, वो वुमन्स आपसे बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि उसको ऐसा एक पार्टनर चाहिए होता है जो उसके साथ सही तरीके से टाइम स्पेंड कर सके। उसे एक ऐसा अपने लाइफ में पार्टनर चाहिए होता है जो उसकी बातें सुन सके, जो उसे एंटरटेन कर सके, जो उसकी पूर्ति है वो पूर्ति सही तरीके से कर सके। मैं फ्रेंड शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इतनी ओपनली समझाऊंगा आपको तो आप बोलोगे सर वीडियो तो कुछ कहीं और ही जा रही है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया, ठीक है मेरी जान। तो अगर आप उस सब पे ट्राई मारते हो तो 100% चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो आपसे इंप्रेस भी हो जाएगी, बहुत जल्दी पट भी जाएगी, बहुत जल्दी सैड भी हो जाएगी। और इस वुमन सबको कैसे प्रपोज करते हैं वो भी समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर टू को। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड, जिसका पार्टनर एजिड हो, जिसका पार्टनर उससे एज में ज़्यादा बड़ा होता है, उस वुमन्स पे अगर आप ट्राई मारते हो तो जल्दी वो सेट हो जाती है, जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती है आपके। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो वो एक्सेप्ट करती है अपने पार्टनर से, जो वो एक्सपेक्ट करती है अपने पार्टनर से, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं उसके साथ, जैसा वो रियलाइज करती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, मेरा पार्टनर मुझे यहाँ घुमाने लेके जाएगा, वहाँ घुमाने लेके जाएगा, मेरे साथ तो ऐसे टाइम स्पेंड करेगा, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजेड होता है और फिर उसको माइंड में एक ही थॉट रहती है कि मेरे लाइक है ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोगों पे ट्राई, मतलब ऐसे वुमन्स पे आप ट्राई मार रहे हो तो ज़्यादा चांस है फ्रेंड कि वो इंप्रेस हो जाएगी आपसे। अब यहाँ पर मैं किसी के घर तोड़ने की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, अगर आपको लगता है ऐसा कि मेरी बात सही है तो आप लाइक करिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो आपकी मर्जी, आपको जो मन में आप वो कर सकते, ठीक है मेरे भाई। मैं तो आपको बस एक रियलिटी पॉइंट बता रहा हूँ, जो फैक्ट है, जो सच है, जो सच है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे टाइप की वुमन सी बहुत ही जल्दी सेट हो सकती है। वरना फ्रेंड जिसके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छे तरीके से प्यार हो, जिसका पार्टनर दोनों को समझते हो, मैच हो रहा हो सब कुछ चीज़ें, उस पर फ्रेंड आप ट्राई मारते रह जाओगे मगर वो फिर भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी। अगर वो आपसे अट्रैक्ट हो गई इसका मतलब वो गोल्डी गर्ल है, मतलब गोल्डी वुमन से एक तरह से देखा जाए, तो समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो मैं इस वे में आपको मैं साइंस समझा रहा हूँ कि जिसका पार्टनर एजेड हो, जिसका पार्टनर उससे जो बहुत ही बड़ा एज में होता है, तो वो वैसे उसकी खुशियाँ नहीं दे पाता है, तो उस सब पे अगर आप ट्राई मारते हो तो बहुत जल्दी आपसे इंप्रेस हो जाएगी। एक साइन और है, जिसका पार्टनर नहीं समझता है, जिसे जिस उस मूवमेंट्स को नहीं समझ रहा है, ना उसकी केयर कर रहा है, हमेशा उससे बहस करता रहता है, लड़ाई करता रहता है, उसको खुशियाँ नहीं दे पा रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड बोनस पॉइंट आपको ये बनेगा कि अगर आप उसके चेहरे पर मुस्कान देते हो, अगर आप उसके चेहरे पर स्माइल करवाते हो, तो ज़्यादा चांस है फ्रेंड कि वो आपसे इंप्रेस हो सकती है, ज़्यादा चांस है वो आपसे सेट भी हो सकती है। एकदम फैक्ट्स मैं अपने को समझा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आखिरी में फ्रेंड मैं आपको बस एक ही बात समझाना चाहूँगा कि देखो, नॉर्मल सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि उसी को आप इंप्रेस बहुत ही जल्दी कर सकते हो, आप उसी वुमन्स को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके पार्टनर से उसे प्रॉपरली प्यार नहीं मिल रहा हो, जिसके पार्टनर से जैसा उसने एक्सेप्ट करी थी, जैसा उसने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा और वैसा कुछ नहीं हो रहा है, आप उसे बहुत ही जल्दी इंप्रेस कर सकते हो। अक्सर फ्रेंड आपने देखा भी होगा एक लड़की के तरफ, जैसे कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, उसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है मगर उसको वैसा वो केयर नहीं दे रहा, वैसा वो केयर टेकिंग उसको नहीं दिखा रहा, वैसे उससे वो बात नहीं कर रहा, वैसे उसके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा,
और बदले में आपने उससे बात करना स्टार्ट किया, आपने उसका टाइम स्पेंड किया, टाइम अच्छी तरीके से बिताया, उससे बातचीत की, उसके इमोशन को समझा, तो ना चाहते लड़की कह बैलती है ना कि यार तुम जैसा दोस्त मिलना ना बहुत लकी वाली बात होती है, धीरे धीरे आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। एक तरफ ऐसा हो जाता है कि कभी उसका बॉयफ्रेंड ने उससे कॉल किया और जैसे आपने भी कॉल किया तो अपने बॉयफ्रेंड के कॉल कट करके आपसे वो बात करना जरूरी समझती है, क्योंकि आप उसको इमोशन समझते हो, क्योंकि आप उसके दिल की जो भावना है उसे समझते हो। और एक लेडी, एक वुमन्स, एक गर्ल्स हमेशा यही चाहती है कि मुझे जो पार्टनर मिले, जो मेरे साथ रहे, वो हमेशा बस मुझे समझे, मेरे साथ साथ चले, मेरे से बहसबाजी ना करे, वैसा कुछ लाइफ में चलता ही रहता है। तो समझ गए मेरे जिगर के छल्लो, आप ऐसे किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप ऐसे जबरदस्ती किसी के लाइफ में नहीं घुस सकते जब तक वो खुद ना चाहे। ठीक है, तो यहां तक तो वो प्रोसेसर था कि आप ऐसी टाइप की वुमन्स को बहुत ही जल्दी इंप्रेस कर सकते हो, पटा सकते हो। अब बात करते कि इन सब वुमन्स को प्रपोज कैसे किया जाता है। देखो मेरी जान, प्रपोज करने से पहले आप अपने जो प्यार का जो बॉन्डिंग है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। पहले तो उसके दोस्ती का जो बॉन्डिंग है आप दोनों का उसे थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, ताकि वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो सके, ताकि वो आपके तरफ क्लोज आ सके। आप उससे अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करिए, उससे बातें करिए, उससे जितना हो सके उतना ज्यादा आप उससे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए, ताकि उसको आपकी लत लग जाए, ताकि उसको आपसे बात करना अच्छा लगने जाए कि यार तू बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हें पता है तुम तुझसे जब भी बात करती हो ना तो मेरा दिल एकदम रिलैक्स हो जाता है, मैं तुम्हारे चेहरा दिख लेती हूँ ना तो चेहरे पर एकदम खुशी से आ जाती है, और आप धीरे धीरे साइन भी पास करते रहे कि आप भी उसे लाइक करते हैं, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ ये लड़का भी मुझमें इंटरेस्टेड है। भाई प्रपोज करने से पहले आप हर किसी को भी प्रपोज करते हो, वुमन्स हो, गर्ल्स हो, लेडी हो, तो पहले तो आप ये बात समझ लो कि उसे बताओ कि आप उसे लाइक करते हो, आप उसे पसंद करते हो, या ऐसे जुड़े हुए कुछ भी बातें अब उसे पहले बताओ। ठीक है, जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप उसे लाइक कहीं ना कहीं तो करने लग गए हो, आप उसे देखकर स्माइल करते हो, आप उससे आई कॉन्टैक्ट बनाते हो, आप उसके बॉडी पार्ट को नहीं निहारते, आप उसकी तारीफ करते हो, आपने उसे रियलाइज करवा रखा है कि आप अभी भी एक गर्ल्स के जैसी ही लगती हो। तो यहीं फ्रेंड आपका 70% काम बन गया। और जब प्रपोज करते हैं ना तो पहले तो फ्रेंड एक बात ध्यान रखो, कुछ ना कुछ उसे खाने पीने की गिफ्ट दिया करो, कुछ ना कुछ, जो अगर वो गिफ्ट एक्सेप्ट आपका करती है खाने पीने की सामान, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लाइक करती है। अब इस दौरान अगर आपसे वो पूछती है कि तुम मुझे ऐसा सामान क्यों देते हो, क्या रीज़न है, तो तुम बोल सकते हो क्या कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, हम चाहते हैं कि हमारे आपसे दोस्ती ऐसी बनी रहे और लाइफ में आगे चले के हमारी दोस्ती ना टूटे। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको पिन करे कि सिर्फ दोस्ती या और भी कुछ है, तब फ्रेंड आपको हंसकर बताना है, उसे हंसकर कहना है कि हाँ आप हमें अच्छी लगती हो, ऐसी बात नहीं है, और इस बातों में अपने प्रपोजल को घुसा देना है, समझा देना उसे कि मैं भी आपको लाइक करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, मगर इस सिचुएशन में फ्रेंड आपको डरना नहीं है, पहले आपको ये सारी बातें समझनी है। और अब प्रपोज करने से पहले एक प्रोसेसर और होता है कि ये बात कैसे जाने कि आप उसे प्रपोज करोगे तो वो एक्सेप्ट ही होगा। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनना चाहिए तो भाई जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा इस वीडियो को पार्ट टू बनने का चांस बनेगा फ्रेंड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे, और अगर आपको मेरी बात उससे बुरा लगा हो, गुस्सा आया हो, तो मेरे भाई सुन लो, आप ही सब लोगों ने कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक वीडियो कवर करो, तो मैंने कवर किया। आप सभी लोग मेरी फैमिली मेंबर हो, अब मैं अपनी फैमिली की बातें तो टाल नहीं सकता ना भाई, तो बस इतनी सी बात है, समझ गया ना। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है kailashrai2.0। बस भाई छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरी जान। देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग यार, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और भाई यार बंधु दोस्त क्या बोलूं आपको मैं जिगर के छल्लो, वीडियो को शेयर करना भाई।